हेलो दोस्तों, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत। कमेंट सेक्शन में काफी कमेंट्स मिल रहे थे कि कोई क्लर्क की जो सैलरी है रिसेंट आईबीपीएस में, अदर देन एसबीआई जो बैंक्स हैं अपने पीएसयू, इनमें क्लर्क की सैलरी रिसेंट क्या है। तो अपने ये के चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं, इनका लास्ट ईयर सिलेक्शन हुआ था कैनरा बैंक में। लास्ट ईयर आई थिंक सेप्टेम्बर में इन्होंने ज्वाइन किया कैनरा बैंक। उन्होंने अपनी लेटेस्ट जो सैलरी स्लिप है जुलाई मंथ की, वो शेयर की है और वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। चलिए, तो अगर अपने देखें इसमें, तो ये उन्होंने अपनी, इनका नाम मैंने हाइड कर दिया है, ये इनकी सैलरी स्लिप है जुलाई मंथ की, राइट। तो जुलाई में जो इनकी सैलरी है वो इन्होंने शेयर की है। तो इसमें देखिए बेसिक थे, इसमें उनके प्रोवेशन अभी क्लियर नहीं हुआ, भी अभी एक साल नहीं कंप्लीट हुआ है, उनके कोई भी इंक्रीमेंट नहीं लगा है। जो बेसिक जहां आपको फिक्स करते हैं 13075 13075, वही उनका बेसिक है, अभी कोई इंक्रीमेंट नहीं लगा है। जैसे प्रोबेशन क्लियर होगा इंक्रीमेंट लगेगा, फिर सैलरी चेंज हो जाएगी और फिर जो अलाउंसेज है उनमें भी चेंजेज आ जाएंगे। अभी जो जब तक आप प्रोबेशन में होते हैं तो आपको सिर्फ क्या मिल रहा है, देखिए इसमें बेसिक है 13075, एचआरए है 7.5%, मतलब जहां आपकी पोस्टिंग के अकॉर्डिंग 7.5 की रेंज में है ये, तो ये 980 रुपये ये मिले। डीए जो अभी जो 76.09 या जो परसेंटेज अभी चल रही है, रिवाइज हो चुका है, 4% और लग गया है, लेकिन इसमें अभी तक नहीं लगा। आई थिंक अगस्त की सैलरी में वो लग जाएगा 4% इन्हेंस हो। और तो डीए, देन इसके अलावा एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस के नाम से, अलाउंस का अगर देखेंगे स्पेशल अलाउंस है ये, तो वही 7.75% ओ पे बेसिक एंड देन उसमें डीए का जो एक चल रहा है इनका वही है, ये बाद में भी रहता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट अलाउंस का 425 रुपये। इसके अलावा इसमें कुछ भी और अलग से नहीं मिल रहा भाई, जो आपकी बेसिक डीए एचआर और जो ये स्पेशल अलाउंस है तो पार्ट ऑफ सैलरी ही है। इसके अलावा कुछ भी और ट्रांसपोर्ट अलाउंस के नाम के सिर्फ 425 रुपीज मिलते हैं। ये जैसे ही कंफर्म होंगे, कंफर्म होने के बाद में इनके जो वैसे जो अभी नया जो पे सेटलमेंट है उसमें जो इंक्रीमेंट लगेगा वो तो एक अलग चीज है भाई, उनमें जो पे इनहेंसमेंट है, जो इनका बेसिक का रिवीजन है, वो सब तो अलग चीज है। उसके अलावा भी कुछ चीजें बाद में मिलना शुरू हो जाती हैं, जैसे ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस की 425 पे जो मिल रहे हैं, इसकी जगह ये आपको पेट्रोल देने लग जाएंगे कुछ, कोई 20 लीटर, 25 लीटर, 15 लीटर, 30 लीटर, वो अलग अलग बैंक टू बैंक थोड़ा डिफर करेगा, लेकिन ये अमाउंट है इससे काफी ठीक हो जाएगी, राइट। और दूसरा आप इसमें देखें, एक जो बड़ा बेनिफिट जो इसमें आपको नहीं नजर आ रहा है, जैसे यहाँ आप देखें ग्रोस अर्निंग आपकी 26,817 है, और डिडक्शन में आपके एक प्रोफेशनल टैक्स है 200 रुपये, 150 रुपये आपके यूनियन के, और ये जो न्यू पेंशन स्कीम के जो आपकी कटौती है वो 2,302 रुपये, राइट। तो ये 2,302 क्या होता है, बेसिक प्लस डीए, बेसिक प्लस डीए का 10%। तो ये आपका बेसिक जैसे 13,075 और डीए 9,950, इनको जोड़ोगे तो 23,000, ये जो भी 25 या कुछ आ रहे होंगे, और उसका 10%, 2,302, और जितना ये आपका डिडक्शन होगा उतना ही बैंक भी इसमें पैसा डालेगा और फिर उस पे इंटरेस्ट चलेगा, राइट। तो ये 2,302 आपके डिडक्शन है और 2,302 भी बैंक इसमें और डालते हैं। तो आप आफ्टर डिडक्शन 24,107 रुपये अभी जो बच्चे जिन्होंने लास्ट ईयर ज्वाइन किया है उनको मिल रहा है। तो जो बच्चे अभी ज्वाइन करेंगे रिसेंट, उनको भी यही सैलरी वैसे मिलनी है, बट जैसे ही प्रोबेशन क्लियर होगा तो इसमें और कुछ इंक्रीज हो जाएगा, साथ ही नए सेटलमेंट का जो बेनिफिट मिलेगा वो भी होगा। और इसके अलावा जैसे जैसे पीरियड बढ़ता जाएगा, जैसे आई थिंक जैसे ही प्रोबेशन क्लियर हो जाएगा तो आप व्हीकल लोन के लिए एंटाइटलमेंट हो जाएगा, और फिर आफ्टर 5 ईयर्स आपको हाउस बिल्डिंग एडवांस के लिए भी आप एंटाइटल हो जाएंगे, साथ ही फर्नीचर एडवांस वो तो अभी हो जाएंगे जैसे ही प्रोबेशन क्लियर होगा, उसके बाद फर्नीचर एडवांस, फेस्टिवल एडवांस, मतलब कई तरह के जो लोन फैसिलिटी वो आपके लिए ओपन हो जाएगी। और इनमें जैसे फेस्टिवल एडवांस और इनमें तो आपके ये तो इंटरेस्ट फ्री होता है, लेकिन ये जो है आपका व्हीकल एडवांस है ये सिंपल इंटरेस्ट है, आई थिंक 7% ऑफ सिंपल, 6 या 7% है, एग्जैक्ट मैं भी फिगर भूल रहा हूँ, लेकिन वो सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड नहीं है, तो बहुत
बड़ा बेनिफिट है फर्स्ट। और जैसे ही आप 5 ईयर कंप्लीट करेंगे तो आपको हाउस बिल्डिंग एडवांस भी मिलने लग जाएगा, वो भी सिंपल इंटरेस्ट ही रहेगा, राइट। वो बड़ा बेनिफिट है। मतलब आप यहाँ जो 26,800 मतलब 27,000 जो देख रहे हो, 27,000 के अलावा और कई बेनिफिट हैं, जैसे मेडिकल की फैसिलिटी है, राइट। तो उसमें वो भी एक बड़ा बेनिफिट होता है, मेडिकल कवरेज है आपका भी है, आपके डिपेंडेंट का भी है। तो वो दूसरी जो और चीज़ें हैं वो जो आपको नज़र नहीं आती, वो भी इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो आप लोगों की डिमांड थी काफ़ी टाइम से कि भी अभी सैलरी, तो एग्जैक्टली ये रिसेंट सैलरी ही अपने के व्यूअर हैं उन्होंने शेयर की। और ये फिर भी आपके मन में किसी टाइप की क्वारी कोई हो सैलरी को लेके, पार्क्स को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट। Okay, so can you